नदिया का जल बाहर से जितना शांत दिखता है, वह उतना गहरा होता है। साधक जितनी शांति को प्राप्त होगा, उतना गुरु ज्ञान के गहराइयों को छू पाएगा। चंचल विद्यार्थी न कार्य में सिद्ध होता है, न परमार्थ में सिद्ध होता है। एकाग्रचित संयमी विवेकी सदाचारी ब्रह्मचारी न केवल लौकिक जगत में पर ज्ञान जगत में भी परम लक्ष्य को पाता है। राजा विक्रमादित्य जिनके नाम से भारत देश में विक्रम संवत चलता है, ऐसे दानवीर महाबली महापुरुष बुद्धि के दाता थे राजा विक्रम। व्यवहार में भी कुशल और परमार्थ में भी कुशल थे। बड़े पद पे आसीन थे लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति का दुख दर्द समझ पाते थे। कई बार रात्रि को वेश बदलकर समाज का दुख दर्द समझने जाते थे। प्रभात काल उठकर नित्य आत्मचिंतन में बैठते थे। जब भी कोई व्यक्ति बड़े पद को प्राप्त हो, कोई विशेष सफलता को प्राप्त हो, तो समझना कहीं न कहीं वह आत्मविश्रांति को छूकर आया है। राजा विक्रमादित्य भी उस आत्मविश्रांति का नित्य अभ्यास करते थे। जैसे आप सभी ने आज सुबह की संध्या में किया और अभी भी गुरु कृपा से हजारों विद्यार्थी बिना किसी अनुशासन के विश्रांति को पा रहे हैं। ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार दिख रहा है। एक दिन राजा विक्रमादित्य आंखें बंद करके श्वासोश्वास में आत्मविश्रांति में रमण कर रहे थे। जैसे आंख खोली तो तीन देवियां सम्मुख खड़ी थीं। बड़ा व्यक्ति वही है जो सूझबूझ से तो बड़ा है पर जिसके स्वभाव में नम्रता का सद्गुण है। पेड़ की वही डाली झुकती है
जिसका फल पक गया है वही साधक नम्र होता है, वही विद्यार्थी स्वभाव में विनम्र होता है। जिसने गुरु ज्ञान को पाया है केवल उसकी चर्चा नहीं की है, राजा विक्रमादित्य तीनों देवियों को प्रणाम करता है। देवियां कहती हैं, राजन हमने सुना है आप बड़े सूझबूझ के धनी हैं, आप बड़े बड़ों का न्याय करते हैं और ऐसी गुरु कृपा है कि कभी न्याय करने में आप चूकते भी नहीं हैं। आज हम तीनों का न्याय कीजिए, हम तीन देवियों में से कौन श्रेष्ठ है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती ने कहा, मैं विद्यामूर्ति सरस्वती हूँ। बुद्धि न हो तो ये मनुष्य किस काम का, ज्ञान न हो तो ये तो पशु के समान है। मैं ही तो हूँ जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती हूँ। कहो राजन, सरस्वती श्रेष्ठ है कि नहीं। धीर गंभीर मनुष्य कभी भी उतावलेपन में उत्तर नहीं देता। कई विद्यार्थियों का स्वभाव होता है जल्दबाजी में काम करना और फिर पछताना। धनुष से निकला हुआ बाण लौट के नहीं आता, मुख से निकले हुए वचन लौट के नहीं आते। जो विवेकी होगा वो पहले विचारेगा फिर बोलेगा, जो आतुर होगा वो पहले बोलेगा फिर विचारेगा, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये जो आप अनुष्ठान और जप का अभ्यास कर रहे हो ये आपको विवेकी बनाएगा। राजा विक्रमादित्य माँ सरस्वती की बात सुन लिए। माँ लक्ष्मी तब बोली, राजन सच कहना, सबसे मैं श्रेष्ठ हूँ कि नहीं। पूरी सृष्टि का कारोबार मुझसे ही तो चलता है, पूरे जगत की लेन देन मुझसे ही तो होती है। मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी श्रेष्ठ है राजन। विक्रमादित्य ने माँ लक्ष्मी को भी प्रणाम किया। इतने में माँ शक्ति स्वरूपा काली माँ खड़ी, कहा राजन मेरी भी बात सुन लो। बुद्धि अपने जगह ठीक है, धन लक्ष्मी अपने जगह ठीक है, पर बलि न होगा, पराक्रमी न होगा, शक्ति ही न होगी तो धन और बुद्धि का क्या करोगे। ये शक्ति ही तो है, ये बल ही तो है जो मनुष्य का संचार करता है। राजन न्याय का हक लेना, हम तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य आतुरबाजी और जल्दबाजी को न अपनाए, तीनों देवियों को प्रणाम किया।
आंखें बंद की और गुरु मंत्र का जाप किया, शांत हो गए आत्मा में, जैसे अभी आप लोग शांत हो रहे हो। अंदर से उत्तर आया कि थोड़ा रुको राजन, विराम लो, तनिक रुको। राजन तीनों देवियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मुझे थोड़ा समय दिया जाए, मैं इसका उत्तर कल देना चाहूँगा, आज मैं यात्रा से थक हार के लौटा हूँ। माँ सरस्वती भगवती आदि शक्ति दया की मूर्तियों ने कहा, अच्छी बात है वत्स, हम कल तुझसे उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। दूसरा दिन हुआ, गुरु ज्ञान में आत्मज्ञान में विश्रांति पाए विक्रमादित्य, तीनों देवियां प्रकट हो गईं, का उत्तर दो राजन। तब राजन दोनों हाथ जोड़कर तीनों को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप तीनों तो अपनी जगह श्रेष्ठ हो, लेकिन आप तीनों से श्रेष्ठ कोई और है। तीनों देवियां हैरान हो गईं, क्या हमसे भी श्रेष्ठ कोई है? कौन? का माँ विश्रांति देवी, मैं आज उत्तर देने के लिए सक्षम हुआ क्योंकि मैं विश्रांति में गया, थका हारा था तो उत्तर भी नहीं दे पाया। आप तीनों देवियों को प्रणाम, लेकिन बुद्धि लक्ष्मी शक्ति इन तीनों का सदुपयोग करने के लिए पहले मनुष्य को विश्रांति में जाना चाहिए। मेरी दृष्टि कहती है कि सबसे श्रेष्ठ विश्रांति, और वो विश्रांति में जाने की कला सतगुरु सिखाते हैं, वो विश्रांति में जाने की कला महापुरुष सिखाते हैं। आप विद्यार्थियों को भी संसारी लोग देखें तो हैरान हो जाएंगे, कहेंगे हजारों बच्चे क्या इस तरह शांत भी बैठते हैं? हम तो घर में दो बच्चों से ही परेशान हो जाती। तब उत्तर आएगा कि गुरु की कृपा से ये विश्रांति में वास कर रहे हैं। माला करते करते आंख बंद होकर उस आत्म शांति में जा रही है। जो अभ्यास आप गुरुद्वार पर कर रहे हो, मुझे गर्व से कहना होगा कि बड़े बड़े महात्मा एकांत में बैठ के ऐसा अभ्यास करते हैं। सभी तालों की एक ही चाबी, आओ आत्मविश्रांति में भाई। विद्यार्थी, पिछले 4 वर्षों से आश्रम के ऊपर जो संकट चल रहा है, अगर साधारण होता तो ये संस्था ठप हो गई होती, लेकिन समर्थ मेरे सतगुरु का ज्ञान और ध्यान, उनकी कृपा बरस रही है और 4 वर्षों से ये दीपावली की शिविर चल रही है और चलती रहेगी। ये बापूजी के ज्ञान और ध्यान का प्रसाद है। गलती से भी आप और मैं ये न सोचें कि शिविर में हम सेवा कर रहे हैं, शिविर में हमने बड़ी मेहनत की है। नहीं,
लग रहा होगा, पर ये आयोजन बापूजी की ओर से चल रहा है। ये सफलता गुरु कृपा से मिल रही है और आज जो हृदयों में आनंद छलक रहा है ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। विद्यार्थी, आप लोगों को फिर से साधुवाद दे रही हूँ और ये कला जो आप यहाँ सीख रहे हो, जो भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अपनाए थे, प्रभु श्री राम हर प्रातःकाल इस अभ्यास को अपनाए थे, वही अभ्यास हमें बापूजी सिखा रहे हैं। हर हाल में खुश रहना ये बापू सिखा रहे हैं, जल में कमल सा रहना बोलो बापू सिखा रहे हैं, सदैव मुस्कुराते रहना ये बापू सिखा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी ना हारना ये बापू सिखा रहे हैं, सदैव ज्ञान का सहारा लेना ये बापू सिखा रहे हैं, हर हाल में खुश रहना ये बापू सिखा।